भूपेश बघेल मीडिया से मुखातिब हैं। आज छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने साइकिल रैली आयोजित की है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार महंगाई कमी नहीं कर रही है। अब तक 365 बार उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। भारतीय जनता पार्टी से सत्ता संभल नहीं रही, लोगों के दुख दर्द उनको समझ नहीं आ रहा, न किसानों की बात समझ आता है, न महिलाओं की बात उन्हें समझ आ रही है। लगातार महंगाई बढ़ रही है और ये महंगाई इसलिए नहीं कि सामग्रियों की उपलब्धता नहीं है, इसलिए बढ़ रहा है कि सरकार की गलत नीतियों का, पहले नोटबंदी किया, फिर जीएसटी लगाया, फिर लॉकडाउन गलत ढंग से लगाया और इसके कारण से ये महंगाई बढ़ रही है। और सबसे बड़े महंगाई बढ़ने का कारण पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल के भाव गिर गए हैं तब पेट्रोल और डीजल के बीच में कंपटीशन हो रहा है कौन ज़्यादा आगे आता है। पेट्रोल तो सेंचुरी पार कर चुका है और डीजल भी उसके पीछे पीछे पहुंच रही है, तो लगातार जो मांग और पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और उसके कारण से लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार के गलत नीतियों का ये परिणाम है जिसके कारण से महंगाई बढ़ रही है। ये प्रदेश नहीं बल्कि ये तो राष्ट्रीय समस्या है, पूरे देश में रासायनिक खाद के खासकर डीएपी यूरिया की भारी किल्लत है। भारत सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है, डिमांड पिछले साल की तरह इस साल भी भेजा गया है लेकिन उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। यूपी और मध्य प्रदेश में तो 50% रासायनिक खाद भेजे गए लेकिन छत्तीसगढ़ में उससे भी कम रासायनिक खाद भेजे गए, तो ये सरकार दुर्भावना से काम कर रही है। केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय कर रही है और लगातार डिमांड के बाद भी पूर्ति भारत सरकार नहीं कर पा रही है। सर, राज्यपाल से कल आपकी मुलाकात हुई, सौजन्य मुलाकात की या पूर्णिया भी कम करने की राज्य भाई दो संवैधानिक प्रमुख तो हमेशा मिलते रहते हैं और बहुत सारे बिल के बारे में भी चर्चा करनी थी और राज्यपाल महोदया के तरफ से भी कुछ इश्यूज थे जिसके बारे में उन्होंने बात की और जैसे कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो जाति प्रमाण पत्र को लेकर बहुत सारे लोग फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर नौकरी कर रहे हैं और यहाँ हमारी सरकार आने के बाद फर्जी जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ कार्रवाई की गई, आंकड़ों में कमी आई है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लोग जाके कोर्ट में इसके लिए आते हैं और नौकरी कर रहे हैं, उसके लिए भी अर्जेंट हियरिंग हमें लगाया हुआ है, न्यायालय से गुहार किया कि उसके अर्जेंट हियरिंग हो जाए ताकि जल्दी से जल्दी उनसे फैसला आ सके। पेंडिंग बिलों को लेकर पेंडिंग बिलों के बारे में भी चर्चा हुई और उसमें कुछ तो पेंडिंग बिल हैं उसमें उन्होंने स्वीकृति दी है। सर, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात चल रही है, सर असम ने लागू कर दिया, उत्तर प्रदेश भी ये बोल रहा है कि हम लागू करेंगे, सर किस तरीके से देखते हैं पॉपुलेशन, जिस तरीके से बढ़ रही है? यही भारतीय जनता पार्टी है, जब नसबंदी का कार्यक्रम चला था तो ये लोग विरोध किए थे। यदि 70 के दशक में यदि नसबंदी को यदि उसी को आगे बढ़ाते तो आज ये जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन उस समय तमाम विपक्ष के लोग उसको मुद्दा बनाया और 70 के चुनाव परिणाम चुनाव के समय ये प्रमुख मुद्दा था नसबंदी, और उसके कारण से जो जनसंख्या नियंत्रण है करने में वो कार्यक्रम पूरा प्रभावित हुआ था। आज इस जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बना दें तो कानून से कोई समस्या का हल तो होना नहीं, जब तक के लोगों में अवेयरनेस ना हो। जन जागरण बहुत जरूरी है और बहुत से परिवार हैं, चाहे वो गरीब तबके के लोग भी हैं, वो लोग भी एक या दो बच्चे ही उसका महत्व समझ रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लिखे और उनके भी जीवन स्तर में सुधार हो, इस बात को गरीब से गरीब आदमी भी उसको समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जन जागरण चलाना चाहिए, केवल राजनीति करने के लिए कानून नहीं बनाना चाहिए। पहले भी नारा था हम दो हमारे दो या तीन, तो वो जो अभियान है उसे ठीक से चलाया जाना चाहिए और जन जागरण के माध्यम से ही
इसे रोका जाना चाहिए। अभी दो विधायक आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, विधानसभा में भी अलग बैठक हमने मांग की है। नहीं, पहली बात तो ये है कि भाई हमें किसी हमारे यहाँ संख्या बल तो 3/4 से अधिक है, हमें कोई विधायक लाने की या तो किसी पार्टी की तोड़ने की हमारे कोई इच्छा नहीं है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के सामने वो अलग बैठने का यदि प्रस्ताव देते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष का विवेकाधीन है वो किस प्रकार से फैसला करते हैं। यदि उन्हें अलग बैठने की व्यवस्था वो मांगते हैं तो उसमें अध्यक्ष जी विचार करेंगे और उसकी व्यवस्था देंगे। नंदिनी में खाली पड़े माइंस को आप लोग मानव निर्मित सबसे बड़ा जंगल बनाने की कवायद कर रहे हैं, किस तरीके से होगा और क्या कुछ? देखिए, पर्यावरण के बारे में सब चिंतित हैं और आज कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो जरूरत पड़ी वो ऑक्सीजन की है, तो शुद्ध वातावरण बने, जो औद्योगिक रूप से जो खाली हो चुके हैं जमीन उसमें फिर से वृक्षारोपण किया जाए तो पर्यावरण के हिसाब से बहुत बढ़िया होगा और हमारी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में फलदार वृक्ष और इमारती वृक्षों की भी उसका पौधारोपण किया जाए। सर, बीजेपी की अभी एक हाल ही में बैठक हुई है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के बातचीत चली है, छत्तीसगढ़ का भी नाम सामने आया है नक्सलवाद को लेकर के, बीजेपी ने अपने स्तर पर लिए तो अचानक से बीजेपी को छत्तीसगढ़ की याद आना, वो भी सुरक्षा को लेकर मसले पर? देखिए, जहाँ तक नक्सली समस्या की बात है, नक्सलियों को हमने काफी पीछे धकेल दिया है, अब वो सिमट के रह गए हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई वो लड़ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, उनके अधिकारों जो यूपीए सरकार ने फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो कानून बनाया तो उसके तहत उनको पट्टा दिया जाए। जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो हम उन्हें जमीन भी सौंपना चाहते हैं, वहाँ के जो जल है उसका उपयोग उसके कृषि के लिए, उसके निस्तार के लिए, पेयजल के लिए उनके लिए हो, ये भी हमारा प्रयास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। और देखिए, बस्तर में पहली बार 52 प्रकार के लघु उद्योग की खरीदी की गई, न केवल खरीदी की गई बल्कि इसको वैल्यू एडिशन भी किया, समर्थन मूल्य भी हमने बढ़ाया, जो महुआ 14-17 रुपये में बिकता था आज 30-37 रुपये में बिक रहा है, इमली भी उसी प्रकार की स्थिति, उनसे वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, चीखू के जो ड्रिंक मर रहे हैं अब वियतनाम सप्लाई हो रही है, तो उसी प्रकार से बस्तर में आम भी बहुत हैं, अमचूर भी इस साल दंतेवाड़ा में पहली बार ऐसा हुआ कि वो अमचूर वो बना के भेजे और जो अमचूर बाजार में 100 रुपया से 120 रुपये तक की बिक्री होती थी उसको 600 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा गया। तो कैसे वैल्यू एडिशन हो सके हर चीज़ में, हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो काजू हो, चाहे वो महुआ हो, चाहे चार चिरंजी हो, चाहे और दूसरे जो उत्पाद हैं। अब तो कोदो कुटकी के लिए भी हमने ये प्रयास किया है, कोदो के बारे में पहली बार समर्थन मूल्य घोषणा की गई 3000 और उसे वैल्यूडेशन करने के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है, उसका लाभ आदिवासियों को मिल रहा है। पंजाब में कृषि कानून पर बीजेपी नेताओं के अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं, क्या? देखिए, कृषि कानून को देख, जो 3 काले कानून बनाए इसके वापसी के लिए पूरे कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सबसे पहले आवाज़ बुलंद की, उन्होंने ट्रैक्टर रैलियाँ की और अभी भी किसान आंदोलनरत हैं, 7 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन भारत सरकार की हठधर्मिता के कारण से ये वो आंदोलन चल ही रहा है, जबकि उनकी बात सुन के उसे समाप्त किया जाना चाहिए। कांग्रेस की मदद से स्वास्थ्य सुविधाएं लाने की बात है, अस्पताल खोले जाने की बात है, उसका स्वास्थ्य मंत्री ने विरोध किया, अब सरकार का क्या रुख रहेगा? देखिए, ये जो बहुत सारे जो काम है इंटर डिपार्टमेंटल होते हैं, तो इंटर डिपार्टमेंटल होता है तो सभी विभागों को उसके राय शुमारी के लिए भेजी जाती है और उसके जो विचार आते हैं उसको फिर ट्रेसी बना के फिर कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाता है, अब कैबिनेट में फिर इसकी चर्चा होती है और उसके बाद जो फैसला होता है वो क्रियान्वयन होता है। सर, आखिरी सरकार छत्तीसगढ़ के तहत गोधन न्याय योजना जैसी एक योजना शुरू कर दिया है, आज एक टीम भी आ रही है, क्या बातचीत कर रही है? गोधन न्याय योजना की चर्चा तो पूरे देश में है और दुनिया में है और जो राज्य इसका लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, हमने जो काम किया है, दूसरे राज्य यदि उसको अपनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आइडिया एक्सचेंज करने से निश्चित रूप से
प्रदेश और देश को लाभ होता है। सर ये सर तबादला नीति जो है 200 लोगों के करीब नहीं आया है, कर्मचारी जो इंतजार कर रहे हैं, कब तक ट्रांसफर नीति जो है आ जाएगी? ट्रांसफर तो जो विभाग से आ रहे हैं वो हो ही रहे, समन्वय से हो ही रहे हैं, कोई रुका तो ही नहीं है। लेकिन कोरोना काल के कारण से व्यापक ट्रांसफर वगैरह करना अभी तो उचित रहेगी। आखिरी सवाल सर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सर अब बहुत सवाल यही होगी।